देखिए एक्सरसाइज 9.4 में आपको याद होगा सभी को 14 नंबर तक कर चुके हम लोग क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, बिंदु 0.0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y′ = e^x sin x है। आपको एक अवकल समीकरण दिया गया और एक पॉइंट दिया गया है। देखिए अवकल समीकरण क्या दी गई है, अवकल समीकरण है y′ = x sin x और एक पॉइंट हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में जो कि 0.0 है। तो आपको y′ = e^x sin x है, ठीक है। तो बेटा आपको करना ये है, एक ऐसे वक्र का इक्वेशन पता लगाना है जो 0.0 से गुजरता है और जिसकी अवकल समीकरण ये वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। y' की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dx(y) = e^x (sin x) ये dx हम उधर लेते जाते हैं, dy = e^x (sin x) dx इतना बना लिया। वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर लिए और अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इधर e^x (sin x dx) इंटीग्रेशन ऑफ dy करोगे तो इसका तो y आएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ हैं, इनका तो ऐसे डायरेक्ट करने से तो नहीं बनेगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो ही आ पाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम i मान लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपको याद रहेगा हमने i किसको लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e^x (sin x dx) इस पूरे को हमने i मान लिया। अब हम इसको अलग से सॉल्व करके ले आएंगे और फिर समीकरण एक पे आके रख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहां i = e^x (sin x dx), ठीक है। अब इसमें किसको प्रथम और किसको द्वितीय माना जाए, तो वैसे अगर आई लेट के मुताबिक आप देखेंगे तो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इसको सेकंड। वैसे क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल साथ साथ हैं, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानकर अपना काम कर सकते हो। चलिए हम इसको फर्स्ट माने ले रहे हैं और इसको सेकंड। फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा, i = फॉर्मूला होता है पहला फलन कौन है यहां, साइन एक्स इंटू दूसरे का समाकल e^x (e^x) - इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक। साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, कॉस एक्स इंटू दूसरे का समाकल e^x (e^x) - dx, ठीक है। यहां तक हमने बनाया और इसने फिर से देखा, इंटीग्रेशन है, डीएक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर से ये ऐसा ही टाइप का लगभग बन गया है। इसमें हम इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान रहे हैं, फिर से दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। चलिए लगाते हैं, i = e^x, हम ये पहले कर लेते हैं जरा, (sin x - इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फॉर्मूला।
तो प्रथम द्वितीय फिर से करना है, प्रथम फलन cos x, दूसरे का समाकल, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया हमने, पहले का अवकल गुणांक, cos x का अवकल गुणांक करेंगे तो वो अवकल गुणांक आपको मिलेगा माइनस साइन x, दूसरे का समाकल e टू दी पावर x का समाकल e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब और थोड़ा कैलकुलेशन करना है, e टू दी पावर x इंटू साइन x, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये e टू दी पावर x इंटू कॉस x, ये माइनस इसको जाएगा यहां पर प्लस करेगा, फिर वो प्लस इस माइनस से मिलकर माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e टू दी पावर x, हम इसको पहले कर लेते हैं इसको बाद में कर लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में किसी को पहले बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ऐसा करने के बाद देखो इसको अब आप पहचानते हैं, ये वही चीज है जो हमने यहां लिखा था i, तो हम उसकी जगह पर i नोट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू e टू दी पावर x, आप चाहें तो कॉमन भी कर सकते हैं यहां से, देन इट विल बिकम साइन x माइनस कॉस x और साथ में माइनस i, ये i हम इधर लेके आएंगे तो उधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा और इस i के साथ जुड़ जाएगा, 2i इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x। अब i की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, I इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि पूरी तरीके से इंटीग्रेशन हो चुका है तो हमने एक कॉन्स्टेंट भी लगा देना चाहिए यहां पे, तो हमने कॉन्स्टेंट भी लगा दिया। अब I की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, यही I की वैल्यू हम अपनी ये इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, इसलिए समीकरण एक से, समीकरण एक में लेफ्ट हैंड साइड में y है राइट हैंड साइड में i है, और i की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है e टू दी पावर x बाई टू साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ये अवकल समीकरण का हल तो आ गया लेकिन ये व्यापक हल है, और सबसे ऊपर उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के लिए है, 15 के लिए तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन देने का मतलब यही है कि इसके भी हमको विशिष्ट हल ही चाहिए। अब ये एक ऐसा वक्र आ गया, आप चाहें तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं, ये एक ऐसा वक्र है जो 0.0 से गुजरता है, ठीक है, तो आपको बहुत बार बताया कि अगर कोई वक्र या रेखा किसी भी बिंदु से गुजरती है तो उस वो बिंदु उस वक्र या रेखा को संतुष्ट करेगा, तो अगर ये वक्र 0.0 से गुजरता है तो ये वाला बिंदु इस वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि वक्र 2 बिंदु 0.0 से गुजरता है, अतः यह बिंदु वक्र 2 को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट कैसे करवाएंगे, पूरे कर्व में x की जगह पर 0 और y की जगह पर भी 0 अप्लाई कर देंगे, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं भाई, y की जगह 0 लिखना है, 0 इज इक्वल टू x की जगह भी तो 0 लिखना है, तो e टू दी पावर 0 बाई 2 e टू दी पावर 0 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट साइन x, x की जगह पर 0 कॉस 0, ठीक है, प्लस सी,
अब जीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन, वन बाई टू साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन प्लस सी, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें माइनस वन बाई टू प्लस सी, तो इसको इधर लेते आएंगे सी इज इक्वल टू वन बाई टू, सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू हम यहां लिख देंगे तो जो भी कर्व हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा। सी का मान समीकरण दो में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x बाई टू, ई टू द पावर x बाई टू साइन x माइनस कॉस x और c की जगह पर 1 बाई टू। और आप अगर कुछ और भी करना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आंसर आपको किस तरीके से दे रखा है। आपका जो आंसर है हाँ उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो चलिए मिला देते हैं हम आपका आंसर, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। अब ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में प्लस 1 है, लेफ्ट में ले आएंगे माइनस 1 हो जाएगा। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और यही आपकी बुक में भी दे रहे हैं। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया, सभी को नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप भी देखिए अपनी किताबों में, हम भी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अवकल समीकरण एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1 कॉमा माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। एक अवकल समीकरण आपको दी गई है एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए उन्होंने बोला माइनस एक कॉमा माइनस एक से गुजरने वाला वक्र आपको ज्ञात करना है। ये अवकल समीकरण है, इससे एक ऐसे वक्र की इक्वेशन पता लगानी है जो 1 कॉमा माइनस 1 से गुजरता है। फिर से वही करना है, समाकलन करो, सबसे पहले इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है आपको। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, इधर से x उधर भेज दो और ये y इधर लेते आओ, गुणा में है तो भाग में जाएंगे, वो इधर से आएगा तो भाग में, dx भी लेते जाओ तो यहां पर आपको मिलेगा y dy अपॉन, ये आएगा अपॉन y प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स उधर जाएगा, एक्स प्लस टू हमने ये लिखा, ये एक्स गुणा में उधर आके भाग में आ गया और साथ में डी एक्स भी आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल्स तो हमने सेपरेट कर लिए, अब हमको इंटीग्रेशंस करने हैं इनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काम कर लो इस टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में वाई के साथ में टू प्लस करो और टू माइनस भी करो। देखो फिर ये क्या दिखेगा आपको, y प्लस टू माइनस टू अपॉन y प्लस टू साथ में dy, तो इस y के साथ दो हमने जोड़े तो दो हमने घटा भी दिए, बैलेंस करते रहे हम। इधर की तरफ जब पहुंचेंगे तो आप अलग अलग कर दो, इसको अलग करोगे, x अपॉन x लिखोगे तो 1, फिर 2 अपॉन x लिखोगे तो 2 अपॉन x इंटू डी एक्स, ऐसे बेटा यहां पर भी इसके साथ इसको अलग कर दो और इसके साथ भी इसको अलग कर देना। तो जब y प्लस टू अपॉन y प्लस टू आएगा बेटा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस टू आएगा, 2 अपॉन y प्लस टू और उसके साथ dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस
टू अपॉन वाई प्लस टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब समाकलन करिए। इधर देखो बेटा, वन का समाकल y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, y माइनस टू का तो हम टू लिख देंगे बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। अब वन अपॉन y प्लस टू का क्या हो जाएगा, log y प्लस टू हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये log y प्लस टू इज इक्वल टू, फिर से वन का करना है x के सापेक्ष, तो x हो गया प्लस टू अपॉन x, टू बाहर हो जाएगा, अपॉन x का log x, तो हम इसको लिख देंगे टू log x, और समाकलन हो गया, तो कॉन्स्टेंट भी लगा दिया हमने c। ठीक है, अच्छा अब आप चाहें तो ये एक साइड में लेते आ सकते हैं आप, तो ये हो गया y, x इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, बेटा ये तो ऑलरेडी यहां पर है माइनस टू log y प्लस टू, और ये इधर आएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा माइनस टू log x, उधर क्या बचेगा c। इसके आंसर के मुताबिक अगर देखेंगे आप, log वाले सारे टर्म उधर ही बचाए जा रहे हैं। देखो अगर आप ऐसा कर भी दोगे तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि आंसर सीट में आप देखोगे तो कहीं आपको ये ना लगे कि हमारा आंसर नहीं आया, इसलिए हम वैसा उसको बना देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको हमको ऐसे करना है, y लिखा x यहां ले आए, इसको उधर भेज देना है आपको, तो उधर की तरफ पहले से ही 2 log x था, ये जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 log y प्लस टू, और उसके साथ में c भी है, फिर ये 2 मेरे ख्याल से वो पावर में भी भेजना चाहते हैं, चलिए कर देते हैं हम लोग भी। y माइनस एक्स इज इक्वल टू, बेटा आपको याद होगा ये n log m लिखा हुआ, तो log m टू दी पावर n लिख सकते हैं भैया हम इसको, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर 2, ऐसे ही ये इसकी पावर बन जाएगा प्लस log y प्लस टू होल स्क्वेयर प्लस c, फिर y माइनस एक्स, बेटा फिर से देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n की वैल्यू log m इंटू n, तो हमने log लिखा और m इंटू n कर देना है, x स्क्वेयर इंटू y प्लस टू होल स्क्वेयर, और यहां पर क्या लिख दिया प्लस c। वैसे तो ये वक्र की इक्वेशन आ गई, लेकिन ये वक्र की एक जनरल समीकरण आई है बेटा, ये एक व्यापक समीकरण आई है, ये ऐसी समीकरण नहीं है जो इस बिंदु से गुजरती है, ये व्यापक समीकरण है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमें वैसी समीकरण चाहिए जो इससे भी गुजरे, तो अब हम उसके लिए भी कर देते हैं, क्योंकि वक्र इस बिंदु से गुजरता है इसलिए ये बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा, तो करा देते हैं, क्योंकि वक्र दो बिंदु 1 कॉमा माइनस 1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु वक्र 2 को संतुष्ट करेगा। और बेटा संतुष्ट कराने का मतलब आप जानते हैं, इस कर्व में x की जगह पर 1 और y की जगह पर माइनस 1, तो लिखो y की जगह पर माइनस वन, x की जगह पर वन, फिर हमने log लिया यहां पर x की जगह पर वन, और वन का क्या करना है स्क्वेयर, y की जगह माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू उसका स्क्वेयर लगाएंगे प्लस c, माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, यहां पर हुआ log, इसमें बेटा देखना दो में से एक माइनस कर देंगे, वन का स्क्वायर करेंगे तो ये भी वन इंटू वन, पूरा मिलके क्या बना वन प्लस सी, और लॉग वन की वैल्यू, तो अगर ये जीरो हो गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ओके
देन c इज इक्वल टू माइनस टू। सी की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर टू पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे c का मान समीकरण दो में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण किसको बोलते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन की हमको जरूरत है वो वाले इक्वेशन। तो रख दीजिए सी की वैल्यू, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। y माइनस एक्स इज इक्वल टू log x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस टू होल स्क्वेयर, और ये हमने लिख दिया माइनस टू। आप उस माइनस टू को इधर उठा लाइए, तो y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू log x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस टू होल स्क्वेयर, एंड आई थिंक यही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, ये आया तो नोट कर लें अब आप इसको। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में है बिंदु 0, -2 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने स्पर्श रेखा और अभिलंब में वैसे पढ़ा भी है कि किसी भी वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर कही जाए तो आप उसको हमेशा d dx ऑफ y से प्रदर्शित करते हैं, आपको याद भी होगा। और ये ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा जितने क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाएगा जिसमें भी हमको यही यूज करना है। क्या चीज, मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी वक्र के बिंदु x, y में या x, y पर स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई से। तो ये एक सेंटेंस आप जरूर याद रखिए कि किसी भी वक्र के बिंदु, किसी कोई कर्व है हमारे पास कोई भी, उस पर एक पॉइंट है x, y, और उस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी लिखी जाती है। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन में, इन्होंने लिखा बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले, तो एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है जिस पॉइंट से कर्व गुजरता है। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट को रखे रहेंगे, बाद में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वही बात आ गई, देखो वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमको जो बोला गया, उन्होंने बोला जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आप बताइए वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे लिखा जाए, डी डी एक्स ऑफ y से प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। बिंदु कौन सा है, x, y, अगर बिंदु x, y है तो इसका y निर्देशांक क्या है, y, तो उन्होंने बोला प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, ये हो गई प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल। तो हमने इस प्रवणता के साथ y निर्देशांक का गुणनफल करवा दिया, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो x, y वाले बिंदु का x निर्देशांक कितना है, x, उन्होंने बोला x निर्देशांक के बराबर है, कर दिया बराबर हमने, समझ आया। तो एक ऐसे वक्र की आपको समीकरण चाहिए जो 0, -2 से गुजरता है और
उस वक्र पर एक बिंदु x, y है, उस बिंदु पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उसकी प्रवणता और उस बिंदु का y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ये शर्त उन्होंने हमको दे रखी है, बस पॉइंट और ये कंडीशन, इसी से हमको इक्वेशन बनानी है। तो क्या ये समझ आ गया कैसे हमने लिख दिया इसको? आ गया सबको? ठीक, अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, तो वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं। इसको उधर भेज दीजिए, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। वाई डी वाई का समाकल क्या आएगा? वाई स्क्वेयर बाई टू एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब ये जो भैया वक्र आया आपका, मान लेते हैं वन इसको, ये वक्र बिंदु इससे गुजरता है तो ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा, या लिखेंगे क्योंकि वक्र एक बिंदु 0, -2 से गुजरता है, अतः बिंदु 0, -2 वक्र एक को संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट कराने का मतलब सभी लोग जानते हैं कि कर्व में x की जगह 0 और y की जगह -2 लेना है, y की जगह -2 लेना है, -2 y की जगह लिखोगे, स्क्वेयर करोगे तो -2 का स्क्वेयर हुआ कितना आ जाएगा? 4/2। फिर x की जगह 0 लिखोगे, 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया? c, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तरह से c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट मीन्स रिक्वायर्ड, रख दीजिए y स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू x स्क्वेयर बाई टू प्लस c की जगह पर 2। हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल, यहां पर x स्क्वेयर और यहां 4 हो जाएगा। आप इसको इधर ले आइए, y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। शायद यही इक्वेशन आपकी आ जानी चाहिए, वक्र की अभीष्ट समीकरण। ठीक है, बताइए समझ आया या नहीं आया आपको? आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो प्लीज आप नोट कर लें जल्दी से। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 18। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु जहां पर स्पर्श करती है x, y पर, बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। मतलब एक वक्र है, उसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, -1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन के मुताबिक जो भी कंडीशंस है उसको नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है किसी वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमने इसको नोट कर लिया। उन्होंने बताया प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है।
स्पर्श बिंदु कौन सा है? वक्र के इसी बिंदु पर तो स्पर्श रेखा बनाई गई है, तो यही बिंदु स्पर्श बिंदु है। अब उन्होंने बोला कि स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। मतलब ये वाली जो प्रवणता है, देखो ये किसकी दोगुनी है, तो आंसर है स्पर्श बिंदु। बोला स्पर्श बिंदु मतलब x, y तथा दूसरा बिंदु है -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता और इसकी कितनी है, दो गुनी के बराबर है। तो इसकी दो गुनी के बराबर है। फिर से एक बार आप भी क्वेश्चन में देखें, अब इस कंडीशन को देखें, क्या ये वाकई में यही वाली कंडीशन है जो दी गई है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। वक्र के बिंदु इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु यानी कि x, y को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो हमने इसकी प्रवणता की दुगनी के बराबर इसको कर दिया। यही शर्त किताब में दिया हुआ है, बुक ने दिया हुआ है। और उन्होंने बोला यदि यह वक्र -2, 1 से गुजरता हो तो जो कर्व आएगा वो किससे गुजरता होगा, -2, 1 से। तो वो एक पॉइंट हम यहां पर नोट कर लेते हैं जिसकी जरूरत हमको लास्ट में पड़ेगी, क्योंकि कर्व इस पॉइंट से गुजरता है, तो अभी नहीं, लास्ट में इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अब आप पहले ये बताएं, क्या ये जो मैंने शर्त लिखी है ये समझ आ गई आपको, नहीं समझ में आया? आया क्या, किसकी दुगनी है? आंसर है एक प्रवणता दूसरी प्रवणता की दुगनी है। तो कौन सी प्रवणता किस प्रवणता की दुगनी है? आंसर है वक्र के बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो दुगनी है। किसके दुगनी के बराबर है? आंसर है स्पर्श बिंदु मतलब x, y और -4, -3 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट होगी, उस रेखाखंड की भी अपनी एक प्रवणता होगी, उस प्रवणता के दोगुने के बराबर है उसकी प्रवणता। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या बता सकते हैं इसकी जगह पर हम क्या लिखें लेफ्ट हैंड साइड में? d dx of y, दिस इज 2, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को याद है कि ये दो बिंदु अगर हैं तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या लगाते थे? हाँ, y2 - y1 upon, या हम y1 - y2 upon x1 - x2 भी तो लगा सकते हैं। तो y1 - y2 बेटा करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, x1 - x2 करेंगे x+4 हो जाएगा। नहीं समझ आया? अब इसको सॉल्व करना है हमको, x के टर्म्स एक तरफ कर लो, y वाले अलग कर लो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। तो dx बेटा उधर भेज दो, y+3 इधर ले आओ, तो ये आपको मिल जाएगा dy upon y+3 = 2 into dx upon x+4। वेरिएबल्स भी सेपरेट हो गए। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर integration of dy upon y+3 = 2 into integration of dx upon x+4। ठीक है, समाकलन करेंगे, dy upon y plus 3 का इंटीग्रल क्या आएगा? log y+3 = 2, ऐसे इसका जाएगा log x+4, और उसके साथ क्या लिख देंगे? +c लिख देंगे हम इसको। ठीक है, अब आप इसमें चाहें अगर तो, क्योंकि दोनों पदों में log आ रहा है, आप एक काम कर सकते हैं कि c के साथ में क्या लिख सकते हैं, आप c के साथ में अब log c कर सकते हैं। वैसे कर दिया जाए c के साथ में log c, c की जगह पर
तो आंसर से जब आप करोगे तो आपको फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। सी को हमने बोल दिया कि इसको लॉग सी कर लो। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखें, लॉग वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये एन लॉग एम टाइप का है और एन लॉग एम की वैल्यू क्या होती है, एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस फोर टू द पावर टू, और यहां पर हमने क्या कर दिया, प्लस लॉग सी कर दिया। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। आंसर के मुताबिक आप चलोगे तो एक तरफ x प्लस फोर का होल स्क्वायर आ रहा है और दूसरी तरफ y प्लस थ्री आ रहा है। इसका मतलब है शायद है कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टर्म की, जीरो ही हो जानी चाहिए। तो पहले इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, करवाना पड़ेगा ही आपको, कर लीजिए। इसको आप मान लें, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, x प्लस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस थ्री। देखो बेटा, और एक काम कर सकते थे अभी आप, इसमें log m प्लस log n कर सकते हो। ठीक है, फिर कंपेयर कर सकते हो, कर लो पहले, नहीं तो ये काम फिर आपको बाद में करने पड़ेंगे, तो आप पहले कर लो इनको। log y प्लस थ्री इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू n c इंटू एक्स प्लस फोर होल स्क्वेयर। अब दोनों साइड में हमको दिख रहा है log, तो हमने तुलना की और तुलना करने से log की जगह log है तो इसकी जगह फिर ये आ जाना चाहिए, इसलिए y प्लस थ्री इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फोर होल स्क्वेयर। अब इसको बनाइए अपनी इक्वेशन नंबर वन। ये वो कर्व आ गया, लेकिन ये वक्र का व्यापक समीकरण है। अभी ये वक्र इस बिंदु से गुजरता है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि वक्र एक बिंदु माइनस टू कॉमा वन से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु वक्र एक को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराने के लिए x की जगह पर माइनस दो और y की जगह पर एक लिखना है, y की जगह पर एक लेना है बेटा, और प्लस थ्री c लिखा, x की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस दो। ध्यान से देखना, माइनस टू प्लस फोर, माइनस दो प्लस चार, प्लस दो और प्लस दो का वर्ग कर दिया फोर। इस तरफ क्या आएगा, फोर इज इक्वल टू फोर सी, सी इज इक्वल टू वन। अब ये सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन पे रख देते हैं, सी का मान समीकरण एक में रखने पर जब रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वक्र का अभीष्ट समीकरण आपको मिल जाएगा। रख देते हैं तो ये आएगा y प्लस थ्री, सी की जगह बेटा वन लिखोगे, फिर वन से इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, x प्लस फोर होल स्क्वायर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया, तो इस तरह से ऐसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। आई होप कि समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुने और बुक्स में भी देखें आप। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, जो गुब्बारा है वो किस आकार का है याद रखिएगा, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। मतलब एक गुब्बारा है, गोलाकार है, और उसको जब हवा भर के हम फुलाते हैं
तो इसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है, और उन्होंने बोला आयतन जब बढ़ता है तो स्थिर गति से बढ़ रहा है। स्थिर गति का मतलब है आयतन का बढ़ना कांस्टेंट है उसका, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है इसकी त्रिज्या, तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, उन्होंने यह बताया। शुरुआत में उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई, आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या, दी गई है 3 इकाई। आरंभ का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जब t बराबर क्या होता है 0, तो आरंभ के लिए हम t बराबर 0, जब आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिज्या 3 इकाई है लेकिन शुरुआत में, तो हम लिख सकते हैं R = 3 जब T = 0, क्योंकि आरंभ की बात कर रहे हैं, सबसे शुरू में त्रिज्या 3 इकाई है तो रेडियस 3 यूनिट है जब टाइम 0 है। और उन्होंने बोला और 3 सेकंड बाद ये 6 इकाई हो जाती है, तथा त्रिज्या हो जाती है 6 इकाई कब, जब टाइम गुजर जाता है 3 सेकंड। तो 0 सेकंड जब थे तो 3 इकाई ऑलरेडी उसकी रेडियस थी, 3 सेकंड गुजरे त्रिज्या 6 इकाई हो गई। तो मैं पूछा तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है जब समय कितना लगा हो, 30 सेकंड हो उस वक्त रेडियस की वैल्यू आपको पता लगानी है। और उससे ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। अगर हम उसका आयतन V मान लें तो क्या आप बता सकते हैं कि गुब्बारे का आयतन अगर V है तो उसके परिवर्तन की दर को कैसे दिखाएंगे हम, dV/dt या ddt ऑफ V कह सकते हैं हम। तो आयतन, गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर उन्होंने क्या बताई, स्थिर गति से बदल रहा है। तो ये एक नियतांक होगा फिर तो, कि एक कांस्टेंट स्पीड से उसका आयतन लगातार बदलते चला जा रहा है। अब आयतन के परिवर्तन की दर को लिखेंगे कैसे, ddt ऑफ v, जहां v गुब्बारे का आयतन है, is equal to नियतांक के लिए हम k नोट कर लेते हैं। समझ आ रहे हैं ना आपको, हमने कांस्टेंट क्यों लिखा यहां पे, उन्होंने बोला हुआ है कि आयतन स्थिर गति से बदल रहा है तो हम स्थिर गति से आयतन बदले दे रहे हैं, ऐसा कर दिया। इसके बाद dt हम उधर भेज देंगे, dv = kdt। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dv = k∫dt, क्योंकि k तो कांस्टेंट था, dv का इंटीग्रल v और dt का इंटीग्रल t + c, ऐसे कर दिया। अब v क्या है, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ is equal to kt + c। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ is equal to kt + c। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब 1/1 करके ये कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जब r = 3 उस समय था जब t = 0, तो यहां पर लिखते हैं r = 3 जब t = 0, तो t की जगह पर 0 लिखो, r की जगह पर 3 लिखो, लिख देते हैं 4/3 πr, की जगह पर 3 लिखेंगे बेटा,
और 3 का क्यूब भी कर देंगे तो 27। t की जगह 0 लिख दोगे तो ये टर्म 0, c बच गया। 3 9s are 27, 9 4s are 36, c is equal to 36 pi। ठीक, अब हम ये c की वैल्यू यहां लिख देते हैं। इसलिए समीकरण एक से फिर देखो क्या बन जाएगा, ये 4 by 3 pi r cube is equal to kt plus 36 pi। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब अगली कंडीशन क्या है कि r बराबर 6 हो जाता है उस वक्त जब t बराबर 3 सेकेंड है, तो ये कंडीशन भी हम इक्वेशन नंबर 1 में ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई कर लो। समीकरण एक में r इज इक्वल टू 6 तथा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रखने पर, बेटा ये सब हमारी शर्तें हैं ना, इन शर्तों को हम वहां यूज करते चले जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर ये इक्वेशन हम अभी नहीं बनाएंगे तो चलो ठीक है, बना रहने देते हैं। रखते हैं वैल्यू, r की जगह 6 और t की जगह 3, इसी में लिखना है। 4 by 3 pi, r की जगह पर 6 लिखेंगे और 6 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 216 is equal to k into t, t की जगह पर क्या लेना है 3, तो k into 3 करोगे तो ये 3k हो जाएगा प्लस c, c की जगह पर क्या आ जाएगा 36 pi। अब आप इसको सॉल्व करिए, 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 7s are 21 और 3 2s are 6, 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 4 2s are 8, 4 7s are 28 pi, तो 288 pi बन गया, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस 36 pi इज इक्वल टू 3k, 288 में 36 माइनस करें, 8 में 6 माइनस हुए 2, 8 में 3 माइनस हुए 5, पाई इज इक्वल टू 3k, देन k इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 252 अपॉन 3 पाई, डिवाइड करिए कितना आएगा, 3 8s are 24, 3 4s are 12, 84 पाई आ गया। ठीक है बेटा, चलो कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। अब थर्ड कंडीशन अभी ये है कि r की वैल्यू चाहिए जब t सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो अब समीकरण एक में, या समीकरण एक में t इज इक्वल टू t रखने पर, वो तो रखा ही है बेटा पहले से, t की जगह t तो है, लेकिन हमको सॉल्व क्या करना है, r निकालना है बस। अब हमको तो हम r निकाल लेते हैं, इसको ले लीजिए 4 by 3 pi r cube इज इक्वल टू kt प्लस c, ये 4 by 3 pi r cube, k की जगह पर क्या लिखना है 84 पाई इंटू टी, प्लस सी की जगह पर लिखना है 36 पाई, ऐसे 4 से, हाँ पाई से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, और हम तो कहते हैं 4 पाई से डिवाइड करो, तो 4 पाई से डिवाइड करोगे तो ये क्या रह जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, यहां 4 पाई से डिवाइड करोगे तो 21 टी, प्लस यहां 4 पाई से डिवाइड करोगे तो 9, अभी ये 3 भी उधर भेजोगे आप, देन r क्यूब इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा, 63t प्लस 3 9s are 27, बट हमको तो r की वैल्यू चाहिए, ये तो r क्यूब की वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 टू द पावर 1 by 3, ये r की वैल्यू आ गई, कब,
जब t सेकंड गुजर जाएंगे उस वक्त। तो t सेकंड के बाद फूलते फूलते गुब्बारे की रेडियस r की वैल्यू इतनी आ जाएगी। मैं आपको बीच में जो कहने जा रहा था वो ये कि c की वैल्यू निकालने के बाद ना इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी हमको उसकी, तो मत आप यूज करिए। c वैल्यू निकल आई, फिर समीकरण एक में r ये लिखा, उससे हमने k भी निकाल लिया, क्योंकि बेटा हमारी इस इक्वेशन में ना दो दो कांस्टेंट हमको दिख रहे थे, एक k और एक c, दोनों का मान निकालना मेरे लिए बेहद जरूरी था। इसलिए एक कंडीशन लगाई तो k की वैल्यू आई, और दूसरी कंडीशन जब लगी थी तो क्या आ गई थी, c की वैल्यू, और हमको t की जगह t लिख के r निकालना था, वो हमने अब कर दिया। तो इतनी रेडियस होगी जब 30 सेकंड गुजर जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया आप लोगों को, आ गया ना सबको, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और आगे के क्वेश्चन सब हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।